उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जिन्ना का जिन निकल आया है। राज करने के वास्ते सियासी नेता जिन्ना का जाप कर रहे हैं। नेता जिन्ना को ही हीरो बनाने में जुटे हैं। यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री के बाद सूबे की सियासी गलियों में जिन्ना जिन्ना के नारे लग रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान की तारीख में वो काला दाग है जिसने एक मुल्क के दिल पर सरहदों के नुकीले तार खींचे हैं। वो जिन्ना जो न जाने कितने बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार है। वैसे तो जिन्ना 47 में ही हिंदुस्तान से भागा और 48 में दुनिया छोड़ गया, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में जिन्ना का जिन निकलता रहता है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में मरे हुए जिन्ना की हसरतों के ख्वाब घूम रहे हैं। सियासत सत्ता पर राज करने के लिए जिन्ना को हीरो बनाने में जुटी है। जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते, इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो समदेश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे, वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे। ओम प्रकाश की किताब में जिन्ना अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो बंटवारे का फसाद नहीं होता। जिन्ना से प्रेम के अपने विचारों में राजभर ने लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को शामिल कर दिया। यूपी में जिन्ना के दीवाने सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव के दिल के एक कोने में जिन्ना अपनी जगह बनाए हुए है। अखिलेश यादव ने जब आजादी के मतवालों में नाम गिनाने शुरू किए तो उनकी जुबान जिन्ना के कसीदे पढ़ने लगी। सदा बढ़ेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना प्रेम के पीछे अखिलेश और राजभर के गठबंधन की सोच चल रही है। लाल और पीले के मिलन से यूपी में जिन्ना प्रेम परवान पर है। राज भोगने के लिए सियासत मुल्क के गद्दारों को गले लगा रही है और शान से इतरा भी रही है। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद सियासी पंडित कहते हैं, अखिलेश और राजभर के इस समझौते के पीछे क्या जिन्ना है? क्या सत्ता के शिखर तक पहुंचाने की मंशा रखने वाले इस समझौते के पीछे जिन्ना की सोच है? क्या इस गठबंधन के बंधन में जिन्ना का बंटवारे वाला ख्याल बंधा है? जिन्ना को हीरो बनाने में जुटी सियासत को आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने साफ लफ्जों में सबक दिया है। इंद्रेश कुमार का कहना है कि जिन्ना जिनके लिए हीरो है वो जिन्ना के देश चले जाए। जिनको जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। मैं कहा करता हूँ, हमारा राहुल, अखिलेश, सिद्धू जैसे दिग्विजय राजनीति का एक चुटकुला है, यह भी वैसे ही खूबसूरत चुटकुले हैं। लोगों को जिन्ना की आत्मा जो है बहुत सता रही है। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी के एक नेता ने जिन्ना चालीसा किया था और अब उसी से संबंधित कुछ लोग और इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिन्ना इस देश के लिए खलनायक था, वो कभी नायक हो नहीं सकता। इस देश के बंटवारे का खलनायक था
और इस देश के सभी लोग जो हिंदुस्तान और इस देश के बंटवारे के जश्न के साथ जख्म को भी याद करते हैं, वो कभी भी जिन्ना जैसे व्यक्ति को न माफ कर सकते हैं न स्वीकार कर सकते हैं। जिस जिन्ना ने देश का बंटवारा कराया हो, जिस जिन्ना ने हिंदुस्तान की जमीन को लहू से रंगा हो, वो जिन्ना हिंदुस्तान की आजादी का नायक कैसे हो सकता है? देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते, इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो समदेश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे, वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? सदा पढ़ेंगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसमें पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा में पाबंदी लगाने का काम किया। हिंदुस्तान की तारीख में जिन्ना का नाम नायक नहीं, खलनायक के तौर पर दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।